Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Divedi and you are watching Economics Easy है. दोस्तों चैप्टर नंबर हम 11 स्टार्ट कर चुके थे जो कि था इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. आपको याद होगा हम ये दो टॉपिक अपने पास कर चुके हैं. आज की क्लास में आपको कैपिटल मार्केट कराने के लिए आ रहा हूँ. हाँ थोड़ा सा बीच में मैं जंप कर रहा हूँ, रीजन है क्योंकि मनी और कैपिटल एक साथ पड़ जाते हैं. इस वजह से आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा इंडियन कैपिटल मार्केट क्या होता है. ठीक है चलिए दोस्तों बात को ध्यान से सुना, मैं क्या बता रहा हूँ. अच्छा आपने लास्ट क्लास रिवाइज किए नहीं कि चलो एक काम करते हैं, मैं रिवीजन करा देता हूँ जिससे कि जो तो पिछले भी टॉपिक है वो भी क्लियर होएंगे और कैपिटल मार्केट के लिए एक अच्छा आपका बेस बन जाए. ठीक है आप जानते हो हमने इसके लिए बुक का यूज़ नहीं किया, हमने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, आप उनको देखो. और बाकी नोट्स आपको सारे के सारे मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना या फिर आप टेलीग्राम पर इकोनॉमिक्स ईजी भी टाइप करोगे तो वो आपको ग्रुप अपने आप मिल जाएगा. ठीक है चलिए थोड़ा सा मैं इसका फोकस सही कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से नजर आए. चलिए बात करते हैं, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके, बस रिवीजन करवा रहा हूँ आपको. याद होगा हमने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ा था. फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो कि सरप्लस सेक्टर से पैसा लेके डेफिसिट सेक्टर को प्रोवाइड करवा देता है. इसके क्या क्या फंक्शन होता है, एलोकेटिव फंक्शन होता है, ये प्राइस डिस्कवरी में काम आता है, ये लिक्विडिटी क्रंच को दूर करता है और आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने में काम आता है. फिर हमने पढ़ा था जो फाइनेंशियल मार्केट है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक आपका मनी मार्केट था और एक आपका कैपिटल मार्केट था. मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें हम 364 दिन से कम के लिए सिक्योरिटीज को इशू करते हैं या फिर पैसों की बोरिंग्स करते हैं. यानी अगर हमने कहीं से पैसा उधार लिया है वो भी 364 दिन या उससे कम के लिए तो उस उधारी को हम नाम देंगे मनी मार्केट का. और मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है. मनी मार्केट के दो सेक्टर थे आपको याद हो हम पढ़ चुके लास्ट क्लास में, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज के अंदर आपका ट्रेजरी बिल आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ गया, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, कॉल मनी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. और अनऑर्गेनाइज में नॉन बैंकिंग और इंडिजीनियस बैंक और मनी लेंडर्स आ गए. दोस्तों जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं फालतू लोगों की बात नहीं कर रहा, टाइम पास की बात नहीं कर रहा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हमारी क्लासेस को रेगुलरली कर रहे हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जरा मुझे बताओ ट्रेजरी बिल में और कॉमर्शियल बिल में क्या डिफरेंस होता है, देखते इसका सही आंसर कौन देगा. कुछ लोगों के मुझे नाम पता है वो जरूर इसका आंसर देंगे. ठीक है बाकी जो टाइम पास करें आप मत देना दोस्तों, आपको क्या देने की जरूरत है, आप भेड़ चाल में चलो. ठीक है कोई दिक्कत नहीं. बात करते हैं कैपिटल मार्केट की. कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा क्या करते हो, रेज करते हो. यानी मोर देन 365 डेज के लिए पैसा यहां पर रेज करते हो और इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म. और इस कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी का नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं सेबी, जिसके अंदर दो चीज आती है प्राइमरी और सेकेंडरी. तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे दैट इज कैपिटल मार्केट, कि कैपिटल मार्केट क्या होता है. और मैं आपके दिमाग में घुसा दूंगा पूरे अच्छे तरीके से कि कैपिटल मार्केट क्या होता है. लेकिन 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 पढ़ाने से पहले एक बेस बना लो कि कैपिटल मार्केट क्या होता है. कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट होती है जिसमें 365 दिन से भी ज्यादा के लिए सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है. और इसकी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उसका नाम क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. कौन है, सेबी है. तो मन में तीन चीजें याद कर लेना, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट है पहला, दूसरा इसको रेगुलेट सेबी करता है और इसके अंदर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो दो टाइप के, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी आते हैं. क्लियर हुआ. चलिए अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, ये यहां से स्टार्ट होता है. ठीक है मैं फिर से बता दूं, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ फाइल वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाती है. इवन जो हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करते हैं ना इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे, तो हिंदू न्यूज़पेपर का ई पेपर भी हम वहां पर अपलोड कर देते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो और घर में न्यूज़पेपर नहीं भी आता तो भी आपका काम होता रहेगा. ठीक है चलिए कैपिटल मार्केट की बात करते हैं. मैंने भी आपका बेस बनाया था कि कैपिटल मार्केट एक ऐसा एक ऐसी फैसिलिटी है या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट है जो कि आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म का फाइनेंस क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है. और इस मार्केट को हम अपने पास नाम देते हैं कैपिटल मार्केट का. आई होप आपको समझ आएगी कि कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्रोवाइड करवाता है, फंड्स को प्रोवाइड करवाता है. अब इसके अगर हम फीचर की बात करें तो कैपिटल मार्केट आपका मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के फंड प्रोवाइड करता है. तो एक बात, शॉर्ट कौन प्रोवाइड कराता होगा, शॉर्ट कौन प्रोवाइड कराता होगा, मनी मार्केट. इसके अंदर शेयर्स और डिवेंचर्स के अंदर डील किया जाता है. सर शेयर और डिवेंचर क्या होते हैं थोड़ा बता दोगे? हाँ बिल्कुल बता दूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलूँ कि आप लोगों ने अपनी कॉमर्स के अंदर ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो मैं ही आपको हर चीज़ बताऊंगा. ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं शेयर्स और डिवेंचर और जिंदगी में भूलोगे नहीं, बस चीज़ों को थोड़ा बेसिक से और ध्यान से करते हुए चल रहा हूँ. क्या होता है कि एक कंपनी है तो उस कंपनी ने कहा कि भाई हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के लिए हमें जो जरूरत है दैट इज 10 करोड़ रुपए की हमें क्या है उस प्रोजेक्ट में जरूरत है. अगर ये पर्सन इन्वेस्टर है, अगर हम 10 करोड़ पूरे इससे मांगे तो ये बंदा क्या बोले, भैया तो हाईली रिस्की है, मैं अकेला पैसा नहीं दूंगा और ना मेरे पास इतना पैसा है. तो क्या करते हैं हम इस 10,000 के टुकड़े करते हैं. हमने कहा कि देखो ऐसा है कि हमने इसके 1,00,000 टुकड़े कर दिए, 1,00,000 टुकड़े कर दिए ऑफ रुपीज 100 ईच. कितने के कर दिए, ऑफ रुपीज 100 ईच. और
इसको ना अभी 1 करोड़ मान लो, ये 1 करोड़ की फिगर है कि कंपनी को कितना पैसा रेस करना है, 1 करोड़ रुपीज इकट्ठे करने, जिसके लिए उसने 1 लाख शेयर्स, 1 लाख टुकड़े कर दिए, और 1 टुकड़े की कीमत कितनी रखी, 100 रुपये। तो ऐसे करके लेट सपोज अभी मेरे पास 5 इन्वेस्टर है, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं एग्जांपल है 5 ले रहा हूँ। ये व्यक्ति बोलता है कि मैं ना इस कंपनी के 10,000 शेयर लेना चाहता हूँ, ये बोला मैं इस कंपनी के 50,000 शेयर लूंगा, ये बोला मैं इस कंपनी के 10,000 शेयर लूंगा, ये वाला बोला मैं इस कंपनी के 8,000 शेयर लूंगा, और फिर आप देखकर बताओ कि टोटल कंपनी कितना इशू कर सकती है, 1 लाख, तो ये हो गया 60,000, ये हो गया 70,000, ये हो गया 78,000, और ये हो गया 80,000, और ये हो गया 1 लाख। इतने इतने शेयर इन सब लोगों ने खरीद लिए। अब एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का, तो ये व्यक्ति कितना देगा, 1 लाख रुपये। इसी तरह से इसने भी 50,000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से खरीदे, ये कितना देगा, 5 लाख रुपये। इसने भी 100 रुपये के हिसाब से खरीदे, ये कितना देगा, ये आपको देगा 1 लाख रुपये। अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, ये 1 लाख नहीं, ये 10 लाख रुपये देगा, ये 10 लाख हो गया, ये 50 लाख हो गया, और ये अगेन 10 लाख हो गया, और 8,000 × 100, ये आपका 8,000, 80,000, 8 लाख हो गया, 8 लैक्स हो गया, और ये इंटू 100 करेंगे तो ये आपका 22 लाख हो गया। ठीक है, इस तरीके से हर व्यक्ति ने, जैसे इसने 10 लाख दिए, इसने 50 लाख दिए, इसने 10 लाख दिए, इसने 8 लाख, इसने 22 लाख, सबने थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट करके एक पूल बना के इस कंपनी में पैसा अपना लगा दिया। सभी ने अपने अपने लेवल पे जितनी जिसकी परचेसिंग पावर थी उस हिसाब से पैसा लगा दिया। अब कंपनी से पैसा, कंपनी ने इन लोगों से पैसा ले लिया। अब जो, अब एक बात बताओ, बदले में कंपनी साल के एंड में इनको क्या देगी, डिविडेंड देगी, क्योंकि डिवेंचर्स पे क्या मिलता है, शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। अच्छा डिविडेंड क्या होता है, बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह होता है, बस इसका नाम चेंज करके हमने डिविडेंड का नाम रख दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। अब क्या होता है, कंपनी इनको बोलेगी भाई ऐसा है कि मैं एक सर्टिफिकेट बना के दूंगी जिस पे कंपनी का लेटर हेड यानी ऊपर नाम लिखा होगा, और यहाँ लिखा होगा कि उस इन्वेस्टर का नाम क्या है जिसने इस शेयर को खरीदा, कितने शेयर खरीदे, और इसकी रिडम्पशन कब होगी। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक पेपर पे लिख दिया जाता है, और उस पेपर को हम नाम देते हैं शेयर्स। शेयर्स मतलब एक टुकड़ा हो गया, और इस पेपर को नाम दिया शेयर सर्टिफिकेट। आई बस समझे, तो शेयर सर्टिफिकेट का मतलब समझ आ गया कि जब एक कंपनी बोरिंग्स करती है पब्लिक से तो बदले में जो एक सर्टिफिकेट देती है, जो एक फुल फ्लैज प्रूफ होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है कि इन इन लोगों ने कितना कितना पैसा लगाया, हर पर्सन को उसके हिसाब से शेयर मिल जाता है, जिसने जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से। उस शेयर पे कुछ नहीं, एक प्लेन पेपर होता है, उस पर चीज़ें बस लिखी होती हैं, समझ लो जैसे आपके स्कूल में सर्टिफिकेट मिलता है, बिल्कुल उसी की तरह से होता है। तो यहाँ पर इसी कंसेप्ट को नाम दिया गया शेयर। अब एक बात हो, जब कंपनी पैसा लेगी शेयर के थ्रू, तो क्या वो मनी मार्केट यानी शॉर्ट टर्म के लिए लेगी, नहीं नहीं सर, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए लेगी, मोर देन 365 डेज। तो शेयर्स आपको समझ आ गया। अब शेयर में खास बात ये होती है कि जितने लोगों ने पैसा लगाया, कल को कंपनी की डिसीजन मीटिंग के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी, तो ये इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये इसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर अपना डिसीजन भी रख सकते हैं और अपना पक्ष भी रख सकते हैं। यानी एक तरह से इन लोगों को जो है क्या मिल गई, अपने हिस्सेदारी के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली ऑनरशिप मिल गई। ओडब्ल्यू का मतलब है ऑनरशिप मिल गई, और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं शेयर्स। ये जो पूरा मैंने कंसेप्ट बताया, दिस इज कॉल्ड शेयर्स। पहले ये बताओ शेयर्स समझ आ गया, शेयर्स का मतलब क्या होगा कि जब एक कंपनी किसी से पैसा उधार लेती है और उसमें ऑनरशिप भी दे देती है, मीटिंग राइट भी दे देती है, और डिसीजन के राइट्स भी दे देती है, और बदले में एक सर्टिफिकेट इशू करती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? और जनरली कंपनियां जब ऐसा करती हैं तो वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए करती है। तो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल का है, सर कैपिटल का है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दूसरा मैं आपको शेयर समझाता हूं, सॉरी शेयर नहीं, डिवेंचर्स। अब डिवेंचर्स में क्या होता है, सुनो ध्यान से, डिवेंचर के अंदर कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है भाई हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन हमें जो पैसों की जरूरत है हम उसके बदले ऑनरशिप राइट नहीं देना चाहते, हम ऑनरशिप राइट नहीं देना चाहते, हम मीटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करने देना चाहते, हम डिसीजन मेकिंग में भी उसको नहीं शामिल करना चाहते, बस आप लोग क्या करो, लोन की तरह हमें पैसा दो और हम बदले में आपको क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, हम आपको पैसा देंगे, बदले में आप हमें इंटरेस्ट देना, और बदले में कंपनी एक सर्टिफिकेट बनाएगी, और उस सर्टिफिकेट को शेयर ना बोल के क्या बोलेंगे, फिर हम डिवेंचर बोलेंगे। यानी शेयर और डिवेंचर में बस इतना फर्क होता है कि शेयर्स के अंदर आपको एक मालिकाना हक मिल जाता है, और उसके बदले जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम डिवेंचर, डिविडेंड का नाम देते हैं, जबकि डिवेंचर के अंदर आपको कोई ऑनरशिप राइट नहीं मिलता, कोई मीटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, कोई आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इस तरीके से अगर आप पैसा उधार देते हो तो कंपनी आपको बदले में जो इंटरेस्ट देगी उसको इंटरेस्ट ही बोलेंगे, और जो सर्टिफिकेट देगी उसको बोलते हैं डिवेंचर। बस मालिकाना हक का फर्क है और कुछ भी नहीं है। अब ये बताओ यहां पर जो पैसा उधार लिया अलग अलग शेयर होल्डर से, क्या ये 1-2 दिन के लिए या 364 दिन के लिए लिया होगा, नहीं सर लॉन्ग टर्म के लिए। तो शेयर और डिवेंचर दोनों किसके पार्ट है, हमारे कैपिटल मार्केट के ही पार्ट है। आई होप आपको शेयर और डिवेंचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जब मैंने आपको यहां पर कैपिटल मार्केट में चीजें पढ़ाई थी तो आपको बताया था कैपिटल मार्केट पहला फीचर
क्या होता है, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस को प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, ये क्या करता है, आपका डील करता है शेयर्स में और डिवेंचर्स में। आई होप कि अब आपको शेयर्स और डिवेंचर में दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों देखो, मैंने तो उसको रफ में करवाया, आप लोग क्या करना कि जब ये नोट्स होंगे ना, इनके प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है, और ऑन द स्पॉट शेयर का मतलब लिख लेना यहाँ पर, या फिर एक वो होता है ना चिट होती है वो यहाँ चिपका लेना। अगर ऐसी अपनी प्रेजेंटेशन रखोगे ना तो दोस्तों कहीं किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी, यही रूल फॉलो करते हुए चलना। तीसरा होता है लेस लिक्विडिटी। अच्छा, लेस लिक्विडिटी का मतलब है कि अगर ये शेयर होल्डर्स अभी बोलने लगे हमें हमारा पैसा वापस करो, क्या पैसा वापस 364 दिन से पहले हो जाएगा? नहीं, लिक्विडिटी लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लिक्विडिटी मतलब इतनी आसानी से जो आपने पैसा दिया है ये कैश में कन्वर्ट इतनी आसानी से नहीं होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं लेस लिक्विड, कि लेस लिक्विड होता है, ठीक है। और हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, अब आप जानते हो इसमें बल्क बल्क अमाउंट होता है, आपको ऑनरशिप मिलती है, तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। और याद रखना, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, मतलब जितना ज़्यादा रिस्क होगा रिटर्न उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? तो कैपिटल मार्केट और फीचर समझ आया दोस्तों? मैं खूब टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसा सकूँ। क्लियर हुआ? चलो अब इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट आते हैं वो सुनते हैं। पार्टिसिपेंट में आपके स्टॉक एक्सचेंज आता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसे मार्केट होता है जहाँ पर आप अपनी सिक्योरिटीज मतलब शेयर या डिवेंचर्स को खरीदते या बेचते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा हो गया कॉर्पोरेट एंटिटीज, जैसे मैंने अभी कंपनी का एग्जांपल लिया था, तो कंपनीज की क्या होती है, पार्टिसिपेटरी होती है, मतलब कि कैपिटल मार्केट के अंदर आपने कौन चीज़ें बेच सकता है, तो स्टॉक एक्सचेंज बेच सकता है और कॉर्पोरेट एंटिटीज जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इंफोसिस हो गया, ये सब। डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं, बेसिकली इनका काम क्या होता है, एंटिटीज को डेवलप करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, ये बैंक इसकी पार्टिसिपेटरी होती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, FIIs बोलते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, खुदरा जो व्यापारी होते हैं जो पैसा लगाते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसके क्या होते हैं, मेजर पार्टिसिपेशंस होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी कैपिटल मार्केट के अंदर। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी तक कोई डाउट? रिपीट करूं, कैपिटल मार्केट कौन सी कैपिटल होती है बताना, कौन सी मार्केट होती है जहां पर आप लॉन्ग रन के लिए पैसा लेते हो 365 दिन के लिए, इसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करती है, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट, ठीक है। चलो अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अब हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की। सर ये क्या चीज़ है? अरे भाई ये देखो, कैपिटल मार्केट प्राइमरी और सेकेंडरी, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो मैं बार बार नोट्स पता है क्यों दिखाता हूं, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्यों पढ़ा रहा हूं और क्यों ऐसे सीक्वेंस ले रहा हूं, आपको समझ आएगा ना मैं प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा रहा हूं। तो चलो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है सुनो। देखो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब भी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को इशू करती है पब्लिक में, तो इसको बोलते हैं आईपीओ। आपने न्यूज़पेपर में देखो, हम हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं डेली, मैं आपको हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ ना, किसमें, इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स वाले चैनल पे। तो जब मैं आपको हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ तो उसमें आपने कई बार न्यूज़ देखी हो, जब मैं आपको बिजनेस सेक्शन की न्यूज़ बताता हूँ तो उसमें मैं ये बताता हूँ कि इस कंपनी का पेटीएम का आईपीओ आने वाला है या इंफोसिस का आईपीओ आने वाला है। इसका मतलब जब भी कोई कंपनी अपनी लाइफ में पहली बार शेयर या डिवेंचर्स में डील करती है, यानी पब्लिक को ऑफर करती कि आप हमसे हमारे शेयर बाय करो, तो उस पहली बार को हम बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब वो आईपीओ बिक जाते हैं, इसके बाद मार्केट में सेम शेयर सर्कुलेट होने स्टार्ट होते हैं, कि पहले उनकी खरीद बेच होती है, फिर दोबारा कोई बंदा उसे खरीदता है, फिर बेचता है, फिर उसकी खरीद, फिर खरीद बेच होती है, उसको बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं? या फिर फेलो पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। जैसे मान लो एक ऐसी लैंड है जिसको फर्स्ट टाइम मैंने खरीदा, दैट इज आईपीओ, और बाद में मैंने उस लैंड को डीलर वाले को बेच दिया, डीलर ने किसी दूसरे डीलर को बेच दिया, यानी वो लगातार बिक रही है, दैट इज एफपीओ, ऐसे समझ लो। तो आप समझ गए, प्राइमरी मार्केट के अंदर आईपीओ आते होंगे और सेकेंडरी मार्केट के अंदर एफपीओ आते होंगे। प्राइमरी मार्केट डील करता है नई नई सिक्योरिटीज के साथ, जो कि वेरी फर्स्ट टाइम इशू की जाती है कंपनी की अपनी खुद की हिस्ट्री के अंदर, मेरी बात समझना, और इसको क्या बोलते हैं, आईपीओ। मैंने भी बताया ना कि जब कोई कंपनी मार्केट में पहली बार अपने डिवेंचर या शेयर्स को लॉन्च करती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, बोले तो आईपीओ, ठीक है ना। अब आईपीओ किस किस तरीके से डील किया जाता है, किस तरह से इशू किया जाता है, सबसे पहला ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है कि सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जब भी कोई, अब एक बात बताओ, कंपनी ने कहा कि भाई ऐसा है हमें हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो, इस कंपनी ने कहा कि भाई इन्वेस्टर्स तुम हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो, तो भाई इन्वेस्टर इतना खाली नहीं बैठा है या इतना इसकी जेब में पैसे नहीं उगल रहे हैं कि बिना इससे पूछे कि तुम्हें क्यों पैसों की ज़रूरत है कि आप किसी को लोन दे दोगे, नहीं, कंपनी से बोलोगे ना कि भाई अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करो कि तुम्हें पैसा किस पर्पज़ के लिए चाहिए। तो क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है जिसमें ये बताता है कि इसको कितने फंड्स की ज़रूरत है, ये फंड को किस जगह पर इन्वेस्ट करेगा, इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं या फ्यूचर गोल्स इसके क्या हैं, और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी देगा अपने उन सभी शेयर होल्डर को। इन सभी बातों को एक पेपर पर लिखा जाता है,
एक पेपर पे लिखा था, वो एक पेपर नहीं होता बल्कि एक बुकलेट बन जाती है 20-25 या 50 पेज की, डिपेंड करता है कंपनी का प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, तो वो पूरी डिटेल उसके अंदर बताती है। उसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेक्टस। तो पहले क्या होता है ना, एक ब्राउचर होता है ना जिसको देखकर, भाई होटल में भी जाते हो तो मेन्यू कार्ड होता है ना जिसको देखकर आप अंदाजा लगाते हो हमें क्या खरीदना है क्या नहीं, ठीक उसी तरह से कंपनी अपना एक ब्राउचर बनाती है और उस ब्राउचर में बताती है हमें इतने इतने फंड्स की जरूरत है, अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी हमारे पास पैसे लगाना चाहती है तो इसको पहले पढ़ लो आराम से और फिर अगर उसे अच्छा लगे स्कीम हमारी तो पैसा लगा सकते हो। तो इस ब्राउचर को हम क्या बोलते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर? प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है, तो शेयर इशू करने से पहले हमें प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है और जब हम प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं तो उन लोगों को करते हैं जिनको हम पहली बार सेल करते हैं अपनी शेयर्स की, सिक्योरिटीज की। अब मान लो ये व्यक्ति आगे फर्दर किसी को बेचेगा तो क्या ये व्यक्ति अब प्रॉस्पेक्टस देगा? उसे नहीं देगा। प्रॉस्पेक्टस कंपनी पहली बार वालों को ही देती है जब पहली बार शेयर को सेल किया जाता है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी मार्केट है इसके अंदर ऑफर जब किया जाता है तो सबसे पहले क्या इशू किया जाता है? प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। प्राइमरी मार्केट के अंदर सबसे पहले क्या इशू किया जाता है? प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। फिर प्रॉस्पेक्टस को इशू करने के बाद ऑफर करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमसे हमारे शेयर खरीदना चाहता है, हम उसको बेचने में इंटरेस्टेड है तो आओ हमसे खरीदो, दैट इज ऑफर फॉर सेल। आप मेरी बात को समझ रहे हो? प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या हुआ? वेरी फर्स्ट टाइम की सबसे पहली बारी में शेयर्स या डिवेंचर जो भी है उसको जब बेचते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। किसके थ्रू करते हैं? आईपीओ के थ्रू। और आईपीओ में सबसे पहले क्या होता है? आप प्रॉस्पेक्टस अपना क्या करते हो? इशू करते हो, फिर प्रॉस्पेक्टस के साथ ऑफर करते हो सेल का। तीसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है, एक बात बताओ, अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो क्या वो पहले जनरल पब्लिक के पास जाएगी या अपने जान पहचान वाले लोगों के पास जाएगी? सर ऑब्वियस ही बात है, जान पहचान वाले लोगों के पास जाएगी और उनको बताएगी भाई हमारी कंपनी के पास ये प्रोजेक्ट है, अगर तुम पैसा लगाना चाहो तो लगा लो। अगर उनके जान पहचान वाले मना कर देंगे तब वो पब्लिक के पास जाएगी, ये नहीं होता सीधा पब्लिक के पास चला है। पहले वो कोशिश करती है कि जो उनके प्राइवेट प्लेसमेंट प्लेयर्स होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब प्राइवेट मतलब उसके खुद के जो लोग होते हैं, अगर वो पैसा लगाना चाहे तो यस वो लगा लें, अगर वो नहीं लगाते तो फिर हम पब्लिक के पास जाएंगे कि भाई तुम बताओ तुम्हें पैसा चाहिए नहीं चाहिए। तो पहले हम अपने बंदों से पूछते हैं, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। एक होता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है कि हमने इससे पहले भी कभी शेयर इशू किए थे कि कोई दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, अब हम उन शेयर होल्डर को प्राथमिकता देते हैं और उनको कहते हैं हमारा एक और नया प्रोजेक्ट है, आप बताओ आपको चाहिए शेयर या नहीं चाहिए। तो अगर हमने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑफर किया कि अगर आपको शेयर खरीदने तो हम पहली प्राथमिकता आपको दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड राइट इशू। जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं अगर हम उनको डिवेंचर या शेयर बेचते हैं तो उसको बोलते हैं राइट इशू। एक होता है EIPO, मैं पढ़ा चुका हूँ, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये सारे खेल होते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर, यानी प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है सिक्योरिटीज को पहली बार बेचा जाता है, फर्स्ट टाइम बेचा जाता है। किसके थ्रू? प्रॉस्पेक्टस के थ्रू। किसके थ्रू? ऑफर फॉर सेल के थ्रू। किसके थ्रू? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? राइट इशू के थ्रू। किसके थ्रू? EIPO के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। प्राइमरी मार्केट क्लियर हो गया, तो यहां से आप लोगों को ये वाला पॉइंट मैंने क्लियर करवा दिया, ये कैपिटल मार्केट का ये वाला सेगमेंट प्राइमरी मार्केट। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं सेकेंडरी मार्केट की ओर। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? तो देखो सेकेंडरी मार्केट डील करता है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में। अब जब कंपनी ने पहली बार होल्डर को बेचा, अब वो होल्डर फर्दर किसी को बेचेगा तो किस में बेचेगा? सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा। सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड सारी चलेंगे, फर्स्ट हैंड नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट किस में डील करता है? सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में डील करता है, इसीलिए इसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। और याद रखना हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर शेयर्स को बेचा जाता है। मैं आपको चलो बता देता हूं तो आपकी ना ज्यादा अच्छी नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे हर स्टूडेंट को बड़ी ही अच्छी खासी नॉलेज हो ताकि उसको टॉपिक में दिक्कत ना आए। देखो अब क्या होता है, शेयर्स को जब हम खरीदते और बेचते हैं, सेल और परचेज, एक बात बताओ, हम अपने शर्ट पैंट खरीदने के लिए आते हैं या टॉप जींस जो भी है, तो ऐसा तो नहीं कि हम गली में गए और मिल गए, नहीं, आपको पर्टिकुलरली उस मार्केट में जाना पड़ता है। जैसे हमारे दिल्ली में लड़कियों के लिए सरोजनी नगर बहुत फेमस है, सीपी का जनपथ मार्केट बहुत फेमस है, करोलबाग का गफार मार्केट बहुत फेमस है, चांदनी चौक की मार्केट बहुत फेमस है, तो ये जगह है जहाँ पर हमें कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से मिल जाएंगे। इसी तरह से शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए एक पर्टिकुलरली मार्केट होता है जिसको हम बोलते हैं शेयर मार्केट, या फिर स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, शेयर कह लो चाहे स्टॉक मार्केट कह लो। तो स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जहां पर आपकी सिक्योरिटीज यानी शेयर्स और डिवेंचर वगैरह जो होते हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है। हमारे यहां पर सर स्टॉक मार्केट कौन कौन से? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक
एक्सचेंज। इसी तरह दिल्ली का भी स्टॉक एक्सचेंज है, जितने राज्य ज़्यादातर उनके स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन पॉपुलरली जो चलते हैं ना वो दो ही चलते हैं, नेशनल और बॉम्बे, बाकी सब बंद हो गए क्योंकि उनमें ट्रेडिंग हो नहीं रही है, इस वजह से वो बंद पड़े हुए हैं। तो अभी के लिए अगर मैं बोलूँ स्टॉक मार्केट, हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल जो है वो सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं, बॉम्बे जो है वो मुंबई महाराष्ट्र वगैरह के लिए है, ठीक है। बेसिकली हम किसी में भी पैसा अपना लगा सकते हैं, NSE में भी और BSE में भी। तो ये दोनों एक मार्केट है जहाँ पर आपकी सिक्योरिटीज़ की खरीद और बेच होती है, और इसी को हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। बोलो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं क्योंकि यहां पर सिक्योरिटीज की खरीद और बेच की जाती है, ठीक है। और यहां ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो इसमें कौन कौन से कवर होते हैं, आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब इसमें क्या होते हैं आपके कवर किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा है इट हेल्प इन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू डिस इन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर टू एंटर इन द मार्केट। जिन लोगों के पास पहले से सिक्योरिटीज है, अगर उनको लिक्विडिटी क्रंच हो रही है, लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही है, उनके पास पैसों की कमी है, तो वो अपने शेयर्स को बेचकर पैसा रेज कर सकते हैं। और कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो पहली बार इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको इनकरेज करते हैं कि आप यही वाले जो शेयर हैं या बाय कर लो, यानी कि यहां पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपना डिसइन्वेस्ट मतलब सेल करता है और फ्रेश इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। अगर आपको सिक्योरिटीज को बेचना है तो यस आप आसानी से बेच सकते हो, वैसे तो कैपिटल मार्केट के अंदर इतनी आसानी से बिकता नहीं है, लेकिन जब आप सेकेंडरी मार्केट में आते हो तो आपने अगर आज शेयर खरीदे तो आप एक घंटे बाद या एक मिनट बाद भी उसको दोबारा बेच सकते हो, तो हाईली लिक्विड होते हैं, आसानी से बिक जाते हैं। इसका सिक्योरिटी आर ट्रेडेड क्लियरली एंड सेटल्ड विद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब्ड बाई सेबी। और इन सभी चीजों पर निगरानी कौन रखता है हमारा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रखती है। कौन रखती है? सेबी रखती है। तो बताओ आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट समझ आया? और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट किसका पार्ट है बताओ हमारा? कैपिटल मार्केट का। तो यहां से आई होप, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको मनी मार्केट कराया था ना, लास्ट क्लास हमारी मनी मार्केट भी थी, आज हमारी क्लास कैपिटल मार्केट पे थी, आपको कैपिटल मार्केट पूरा समझ आ गया। अच्छा, कुछ लोग हैं जो मुझसे कमेंट करके पूछते हैं सर ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है, जैसे कि मैं अपने उसमें ही हिंदू न्यूज़पेपर में ही आपको पढ़ाता हूँ सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। तो क्या होता है बता देता हूँ, जैसे ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, इस पर कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं। अब क्या होता है, जो इंडिया की हमारी टॉप 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज, देखते हैं आप में से किस किस को नाम पता होगा, कमेंट करके बताना। मैं डेली पढ़ाता हूँ टॉप 50 कंपनी कौन कौन सी है, किस पे? हिंदू न्यूज़पेपर पे, इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे हमारी सीरीज डेली आती है, ठीक है। हम उस पे पढ़ते हैं तो टॉप 50 कंपनियों के जो शेयर के प्राइस होते हैं उनका एवरेज कर देते हैं, और इनको बोलते हैं अपने पास निफ्टी, NIFTY, निफ्टी मतलब 50, ऐसे समझो। तो ये टॉप 50 कंपनी होती है, और इसी की जो टॉप 30 कंपनियां होती हैं, 50 की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर की 30 कंपनी, इनको हम बोलते हैं सेंसेक्स। यानी सेंसेक्स का मतलब होता है अगर मैं 30 कंपनियों के शेयर का एवरेज निकाल दूं तो दैट इज सेंसेक्स, और अगर मैं 50 टॉप कंपनियों के, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों के सेंसेक्स वो शेयर का एवरेज निकालूं, दैट इज कॉल्ड निफ्टी। तो आई होप आपको सेंसेक्स और निफ्टी समझ आएगा, और BSE और NSE भी समझ आ गया होगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट के पार्ट थे इसलिए आपको बताना मेरे लिए जरूरी था। आई होप आपको कैपिटल मार्केट वाली चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था या जो आज का हमारा टारगेट था वो हमने पूरी तरीके से अपने पास क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आज के टारगेट में क्या था हमारा, ये देखो इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है। इसको अभी हमें बुक से नहीं पढ़ना, नोट से ही पूरा पढ़ना है, इसलिए ये काम हो गया कंप्लीट। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो हम अलग से क्लास में कवर करेंगे, यहां पर कवर नहीं करेंगे, यहां प्राइमरी सेकेंडरी कवर कर लिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, आपने इसके बारे में कभी सुना नहीं होगा, कभी जाना नहीं होगा, बट आज नेक्स्ट क्लास में बड़ी ही डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो गाइस आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारे काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाना, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस YouTube चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।